पंचतंत्र की कहानियां हमें जीवन की कई मूल्यवान बातें बताती है। चतुर बिल्ली कहानी भी पंचतंत्र की ही कहानी है। ये कहानी बताती है कि हमें अपने शत्रुओं से कैसे बच के रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी कहानी, बच्चों की कहानी, चतुर बिल्ली। एक चीड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे में रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वही बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहां चीड़े का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे यह बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह चीड़ा खा खर कर मोटा ताजा बन गया। अपने घोंसले की याद आने लगी उसे, तो वो वापस लौट आया। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं के? मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस आए हो? चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए? खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक वही गंवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वह अपना घर है, बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। यह बात सुनकर चीड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहां पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली इन दोनों के जन्मजात शत्रु हैं, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उनसे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे यह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा ले। अरे अरे, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? हिंसा जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में चाहता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ तो। खरगोश और चीड़ा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब आ गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चीरे को बिल्ली ने नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चीरे को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सच है, शत्रु से संभलकर और हो सके तो चार हाथ दूर ही रहने में भलाई है। तो ये थी कहानी चतुर बिल्ली की। अगर आपको मेरी ये बताई कहानी पंचतंत्र की अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल निधि किचन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, मुझे उम्मीद है आप उस बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करेंगे ताकि मैं और नई नई कहानी आपके साथ लेकर आती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।